तो आज हम करेंगे इस चेस्ट रोल में इम्पैक्ट हमें ड्रिल मशीन का एक महीने बाद रिव्यू कैसे रही है। पिछले एक महीने से लगातार मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, मैंने इसे घर के चीज़ों के लिए खरीद रही थी और मैंने लगातार काफ़ी काम किया इससे, तो मैं दिखाता हूँ अभी एक महीने बाद कैसी कंडीशन में है। ये हमारी चेस्ट रोल की इम्पैक्ट ड्रिल, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 650 वाट में है और 0 से लेके 2900 तक की इसकी RPM वेरी कर सकते हैं आप, अपने मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो। 13 mm तक की वॉल मटेरियल कर सकती है, प्लस ये मेरे ख्याल से लकड़ी में कर सकती है 26 mm तक का ड्रिल। ओके ठीक है, 13 mm की रेटिंग है, जब से खोलते हैं और इसको लगभग एक महीना हो चुका है जब मैंने लिया था, तो कुछ अमेजन से मैंने इसको ख़रीदा था और इस तरह की पैकिंग में आ गए, तो उससे पहले मिल दिया हमें कुछ वॉल बिट्स, ठीक है, फिर मिलती बिट्स, इनसे आप लकड़ी में और मेटल में ऑन कर सकते हो, ठीक है, फिर हमें वो क्या मिलता है हमें, ठीक है, व्हाट पे हैंडल, ओके, फिर हमें मिलते हैं ब्रशेस की काफ़ी यूज़ पड़ेगा इसमें आपको, ठीक है, कुछ मैनुअल्स इनको कोई नहीं पड़ता हटाओ इन्हें, ठीक है। उसके बाद मिला एक ये डेप्थ मेजरमेंट के लिए और मेन आइटम हमारा ये ड्रिल मशीन, ठीक है, इस तरह से पैकिंग में आती है और इसके साथ में एक ये खोल जो चाबी है इसकी आती है, ठीक है, तो ये हैंडल है, ये वॉल बिट्स हैं आप देखते हैं, ये सब फ्री में, इसके साथ ये सब इसकी एक्सेसरी फ्री आती है। ये लगभग आप मुझे लगभग 1200 समथिंग का पड़ा था, 1250 के अराउंड ये उस टाइम पे, अभी भी अब थोड़ा इसके प्राइस बढ़ गए हैं शायद, ठीक है, इसको करते हैं साइड हम, ठीक है, मेन अपने प्रोडक्ट पे आते हैं जो है हमारी 650 वॉट की इम्पैक्ट ड्रिल मशीन, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ एक महीने बाद कैसा रहा इसका, तो इसका जो मोटर है 650 वॉट के साथ में कभी नहीं दबेगा, किसी भी चीज़ में नहीं दबेगा, कभी नहीं रुकता, ठीक है। उसके बाद में इसका जो स्विच है, स्विच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्विच के साथ में भी काफ़ी स्पीड वेरिएशन है, आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हो स्पीड और फिर इसके मैक्स पर लेके जा सकते हैं, और ये लेफ्ट राइट के साथ आता है, ये इसका यहाँ पे स्विच है फॉरवर्ड चलाने के लिए और बैकवर्ड चलाने के लिए, स्पेशली इसका यूज़ होता है जब ये कभी रुक जाए, कहीं फंस जाए और या फिर जब आप स्क्रू खोलते हैं तो अंदर लगाने के लिए ऐसे और पीछे निकाल स्क्रू को बाहर निकालने के लिए ऐसे, तो इसके साथ में स्क्रू बिट्स भी नहीं है, इसके साथ में आपको दो स्क्रू बिट्स भी मिलती हैं इस तरह के, दो है तो एक ही है एक जैसी दोनों पर दो दी हुई हैं, एक जैसी दो पता नहीं क्यों दी, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी मैग्नेटिक भी हैं पर इतनी ज़्यादा नहीं है। बिट्स की क्वालिटी भी आप एवरेज है, इनकी बिट्स की क्वालिटी ठीक है, आप 70% कह सकते हो अप टू है, पर ये वाली मेटल में तो बिल्कुल नहीं काम कर पाएंगे, लकड़ी में टिक टिक कर देती हैं, इतना भी अच्छी नहीं है, बस एवरेज है क्वालिटी वाइज, पर ये अच्छी है, ठीक है। और इसका जो चाक है ये 13 mm तक बिट को सपोर्ट करता है, बड़े वाला चाक है, प्लस इसके अंदर से जो है तो कभी कभी आपको स्पार्किंग नज़र आएगी यहाँ पे होती हुई, और क्या कि ब्रशेज की वजह से अंदर जो ब्रशेज हैं इसमें ब्रशेज मोटर है तो उसमें होता रहता है स्पार्किंग वगैरह, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी हल्का फुल्का ना के बराबर कभी, अब तो मुझे मैंने नोटिस नहीं किया पर स्मोक आता है, कुछ टाइम बाद इसके कार्बन मुझे रिप्लेस भी करने पड़ेंगे, एक कार्बन पेन उन्होंने दिया गया है क्योंकि इसके कार्बन मुझे नहीं लगता ज़्यादा चलेंगे, और प्राइस के हिसाब से देखें तो ये बहुत बढ़िया है, प्राइस के हिसाब से तो मैं टोटली सेटिस्फाइड हूँ इसके साथ में, थोड़ी सी इसमें देखा जाए तो हल्की फुल्की मुझे आगे वाइब्रेशन फील हुई, पर इस प्राइस रेंज में आपको वाइब्रेशन इतनी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये इसका स्विच है, अगर मैं ये स्विच बाहर रहेगा तो ये आपका ड्रिल मोड में रहेगी, और मैं अगर इसको इधर को पुश कर दूँ तो ये हैमर मोड में आ जाती है, और हैमर मोड इसका बेस्ट है। उसके बाद स्पीड वेरिएशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा, साइन ने इंडिकेशन दिया हुआ है इस पर, मोटर में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको चलाने में, काफ़ी हैंडी है, इसके होल्डर के साथ में काफ़ी अच्छे से फिट होता है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्ड क्वालिटी के साथ में, और लगभग जैसे इसका प्राइस है 1200 समथिंग मुझे पड़ी थी है कि बिल्कुल एकदम मुझे कोई इशू नहीं है इसके साथ में, एकदम प्राइस इसका बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है इसके मार्केट में, इसके साथ में जितने भी आप देखोगे सब महंगी है इससे, और एक स्विच भी है इसमें, हाँ स्विच इतना अच्छी क्वालिटी में तो नहीं है, पर ये जब आप इसको अंदर प्रेस करके दबा देते हो तो फिर ये होल्ड कर देता है कोई इनको, चलती रहेगी मतलब ये जब तक आप इसको दोबारा से रिटेक्ट नहीं करोगे, और अगर रेटिंग की बात करें तो मैं इसको 5 में से 4 स्टार दूंगा बिल्कुल आराम से, थोड़ी सी मुझे वाइब्रेशन फील होती है चलाते हुए, बट वो उसके प्राइस रेंज के हिसाब से आई है।